7 साल से फरार, 21,000 का इनामी बदमाश दतिया जिले का टॉप, अंतर्राज्यीय बदमाश, अंतर्राज्य बदमाश कला यादव थाना पंडोकर बड़ौनी पुलिस की संयुक्त तो टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। बदमाश से बड़ी मात्रा में हथियार व जिंदा राउंड बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक दतिया अमन सिंह राठौर ने इनामी बा फरारी बदमाशों पर लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कमल मौर्य तथा SDOP सुमित्र अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में 7 साल से फरार चल रहा 21,000 का इनामी बदमाश दतिया जिले टॉप तथा अंतर्राज्यीय मुख्यात बदमाश कलापुत्र हरनाम यादव निवासी ग्राम नुनबहा हाल निवासी ग्राम नचरौली को गिरफ्तार करने में पंडोकर थाना प्रभारी यादवेंद्र सिंह गुर्जर तथा बड़ौनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अपहरण डकैती जैसे अनेक संगीन मामले हैं और 3 स्थायी वारंट है जिसमें वो वांछित है। अभी रिसेंटली झांसी के भी कुछ अपराधों में इनकी संलिप्तता पाई गई थी और झांसी पुलिस भी इनकी तलाश कर रही है। निश्चित तौर पे इसकी गिरफ्तारी से जो अपराध है उसको नियंत्रण करने में मदद मिलेगी और जो अन्य अपराधी हैं उनका हौसला टूटेगा। जय हिंद। उनके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम है और दतिया झांसी शिवपुरी में लगभग 20 अपराध में वांछित हैं। इनको गिरफ्तार करने में आज हमारी टीम को सफलता मिली है। 4-5 दिन पहले निचरौली गाँव जहाँ पे कला यादव के छुपने की सूचना थी वहाँ पे काफ़ी बड़ी दबिश 15 टीमों द्वारा दी गई थी। उस दिन काफ़ी अपराधी वहाँ से गिरफ्तार किए गए थे किंतु कला यादव वहाँ से भाग निकला था। आज सूचना मिली कि पंडोकर क्षेत्र में शीतला माता मंदिर के पास में किसी अपराधी कार्य को कारित करने के लिए कल्ला यादव वहाँ पे आया हुआ है। तब मेरे द्वारा थाना प्रभारी पंडोकर यादवेंद्र गुर्जर और थाना प्रभारी बड़ौनी रविंद्र शर्मा इन दोनों को एक टीम बनाने के लिए निर्देशित किया गया और इन दोनों की ज्वाइंट टीम ने कल्ला यादव को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कल से हम लोग पूरी दतिया पुलिस जो दतिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है कल्ला यादव उनके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम है और दतिया झांसी शिवपुरी में लगभग 20 अपराध में वांछित हैं। इनको गिरफ्तार करने में आज हमारी टीम को सफलता मिली है। 4-5 दिन पहले निचवाली गांव जहां पे कल्ला यादव के छुपने की सूचना थी वहां पे काफ़ी बड़ी दबिश 15 टीमों द्वारा दी गई थी। उस दिन काफ़ी अपराधी वहां से गिरफ्तार किए गए थे किंतु कल्ला यादव वहां से भाग निकला था। आज सूचना मिली कि पंडोकर क्षेत्र में शीतला माता मंदिर के पास में किसी अपराधी कार्य पुकारित करने के लिए कल्ला यादव वहाँ पे आया हुआ है। जब मेरे द्वारा थाना प्रभारी पंडोकर यादवेंद्र गुर्जर और थाना प्रभारी बड़ौनी रविंद्र शर्मा इन दोनों को एक टीम बनाने के लिए निर्देशित किया गया और इन दोनों की ज्वाइंट टीम ने कल्ला यादव को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कल्ला यादव के ऊपर हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण, डकैती जैसे अनेक संगीन मामले हैं और 3 स्थायी वारंट है जिसमें वो वांछित है। अभी रिसेंटली झांसी के भी कुछ अपराधों में इनकी संलिप्तता पाई गई थी और झांसी पुलिस भी इनकी तलाश कर रही है। निश्चित तौर पे इसकी गिरफ्तारी से जो अपराध है उसको नियंत्रण करने में मदद मिलेगी और जो अन्य अपराधी हैं उनका हौसला टूटेगा। जय हिंद।